हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाएंगे पंजीरी, जो खाने में बहुत अच्छी होती है। आज हम आपको पंजीरी बनाने की पूरी विधि बताएंगे, पूरा प्रोसेस कैसे बनती है पंजीरी। सबसे पहले हम एक कढ़ाई में 4 कटोरी गेहूं का आटा डाल लेंगे। इसको अच्छे से चलाते रहेंगे। गेहूं का आटा ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए पंजीरी के लिए। पंजीरी बनाने के लिए सबसे बेस्ट है आटा थोड़ा मोटा लें, मोटा पिसा हुआ आटा, कि पंजीरी सबसे बेस्ट बनती है, वो दानेदार सी बन जाती है। अगर आपके पास बारीक आटा है तो उसके अंदर थोड़ी सूजी मिला सकते हैं, जिससे आटा थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो देखिए, हमें आटे को पकाते हुए लगभग 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद आटे का कलर थोड़ा ब्राउन हो गया है, और इसी तरह हमें आटे को पका लेना है। 15 मिनट में आटा मीडियम आंच पर पककर तैयार हो जाएगा। अब हमको इसमें 1 कटोरी घी मिक्स करनी है अच्छे से। पंजीरी के अंदर अच्छे से घी मिक्स कर लें, जिससे पंजीरी का टेस्ट और भी ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। पंजीरी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, आप एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो ये देखिए, हम अब पंजीरी में थोड़ा सूखा नारियल कद्दूकस किया हुआ इसके अंदर डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो आप मत डालें, ऑप्शनल है। अगर आपके पास है तो आप डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो अवॉइड करें इसको। कोई कंपलसरी नहीं है कि ये ज़रूर डालना आपको। ओके, देन आपको इसको अच्छे से मिक्स करना है बढ़िया तरीके से। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। फिर इसके अंदर हम मीठा ऐड करेंगे। मीठे की हम लगभग 3 कटोरी इसके अंदर ऐड करेंगे। मीठा या खांड या पिसी हुई चीनी आप जो कुछ चाहें ले सकते हैं इसके अंदर। इसको भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। लगभग 5 मिनट तक इसको मिक्स करें अच्छे से। ये देखिए, हमें 5 मिनट हो गए लगभग इसको मिक्स करते हुए, और इसका देखिए लड्डू सा बनेगा, थोड़ा सा हल्का सा। ये आपकी पंजीरी बनकर एकदम तैयार है। आप इसको ट्राई करें और हमें बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।